फैमिली कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। नेक्स्ट 72 आवर्स में हमारे कनेक्शन में क्या ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमारे बारे में क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं, और कुछ मैसेजेस भी, क्योंकि मुझे ऐसा गाइड हुआ कि नेक्स्ट 72 आवर्स इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग रीडिंग हीलिंग या कुछ भी लेना चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो लेट स्टार्ट कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आप अपनी जर्नी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी ज्यादा कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, मिररिंग। यस गाइस, तो मिररिंग होने वाला है यहाँ पर। कुछ ट्रॉमा, कुछ वूंड्स आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हो, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। एक्शन रिलेटेड कि आप बहुत ज्यादा एक्शन लेते हो, वो कोई एक्शन नहीं लेते, इस चीज को लेकर के आप डीएम को ट्रिगर्स हो सकते हैं, या डीएम अगर आपके डीएफ एनर्जी में है तो उनको काफी ज्यादा इस चीज पे ट्रिगर हो सकते हैं। यहाँ पे गाइस हम लोग डीएम और डीएफ एज अ पर्सन, लड़का लड़की नहीं बात करते हैं ना, हम एज अ एनर्जी बात करते हैं। तो अगर आप डीएम में चले गए कल, तो आपको एक्शन का मतलब वो क्यों नहीं लेते, वो उस चीज का ट्रिगर आपको बहुत तेज होने हो सकता है, या उनके तेज एक्शन लेने के वजह से आप कैसे बैकअप कर लेते हो या पीछे हट जाते हो, वो चीज का आपको बहुत बहुत ज्यादा गहरा एक्सपीरियंस रहने वाला है कल। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा माइंड ब्लॉक्ड एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, बहुत ही ज्यादा मतलब ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है गाइस, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है आप लोगों में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल डीएफ्स डीएम मतलब विद इन 72 आवर्स डीएफ्स डीएम एनर्जी में होंगी, और वो जो है काफी ज्यादा मतलब एंगर और ये सब का रिएक्शंस देने वाली है, या ऐसा कुछ करने वाली है जो आपके डीएम आपको कांटेक्ट करेंगे और आप लोग बहुत ज्यादा उनके साथ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में बात करोगे, या ईगो दिखाओगे या एंगर दिखाओगे, जो आपको चाहिए उनके साथ वो एंडिंग जो वो आपको शायद ऑफर भी कर दे कल, लेकिन आपको ऐसा लगेगा अभी क्यों आया है, या कुछ तो ऐसा मिरर आपके साथ होने वाला है जो डीएम को एक बहुत बड़ा लेसन सिखाने वाला है, चाहे क्योंकि वो डीएफ का जो हम एनर्जी की कॉन्सेप्ट की बात करें तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर आप में से जो भी डीएफ एनर्जी में होगा उसको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और जो डीएम एनर्जी में होंगे उनके लिए बहुत बड़ा लेसन रहने वाला है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत ही कुछ लेसन्स रहने वाले है यहाँ पर, जो मैरिज को के रिलेटेड रहने वाले है, प्रायोरिटी के रिलेटेड रहने वाले है। कुछ बड़ा गाइज आप लोग ट्रिगर एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। एक्शन ओरिएंटेड ट्रिगर्स आप लोग महसूस कर सकते हो। लेट्स टेक क्लैरिफायर्स गाइज, देखते क्लैरिफायर्स के साथ क्या निकल गया था इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। पोसेसिवनेस, जेलस एटीट्यूड कि जाओ ना जाओ, उसी के पास चले जाओ वाला एटीट्यूड। देखते हैं गाइज और क्या क्लैरिफायर्स निकल के आते हैं। हाँ बिल्कुल, शायद डीएम के कार्मिक सी एटीट्यूड उनको दे सकते हैं कि मतलब जाओ जाओ डीएफ के पास चले जाओ वाला एटीट्यूड, और वो सच्ची में आ भी जाएंगे आपसे बात करने के लिए। तो वो आपका क्या रिएक्शन होता है उस चीज के ऊपर, और कितना स्ट्रांगली वो आपको अप्रोच करते हैं वो चीज के ऊपर आपको ट्रिगर रहने वाला है, तो आपको समझ में आने वाला है कि इतना स्ट्रांगली हमने अप्रोच किया था जिसके वजह से ऐसे बड़े बड़े झटके लग गए। तो ये बहुत ज्यादा बर्डन एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के लिए, आपको लगेगा कि डीएम जो है इस बिल्ली की तरह आपके बैक पे आके बैठ गई है और आपका बर्डन बढ़ा रही है। ये चीज जो है आने वाले टाइम में आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो, शायद ये आपने भी किया होगा उनके साथ, तो ये आपको रिटर्न मिलने वाला है।
यस अप्रोचिंग इन वेरी स्ट्रांग एनर्जी, आप मूव ऑन करना चाहते हो अगर अपनी लाइफ में, आप अगर अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हो, अगर आप डेस्टिनी आपको बहुत कुछ दे रही है तो आपको लगेगा ये मुझे पकड़ के क्यों रख रहा है, मुझे मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है ना, तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि DMs आएंगे आपके पास ऑफर लेके और आप 3 of cups एनर्जी में होगे कि आज तक इसने दिया ही क्या है मुझे जो आप आज ये ऑफर लेकर आया है, तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स इस चीज़ को लेकर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी कि वो आपसे आखिर कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग रहने वाली है ये इस टॉपिक पे कि वो आपको क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के ऊपर। एक मिनट गाइस, गाइस इसके लिए मैं यूज़ क्या कहने वाले हैं आपको, वो कॉल करेंगे कॉन्टैक्ट करेंगे ऐसा बहुत ज़्यादा श्योरिटी है नेक्स्ट 72 आवर्स में, बिकॉज बहुत ज़्यादा अप्रोचिंग कार्ड्स आए हैं इस डेक से भी, इस डेक से भी अप्रोचिंग, और बॉटम ऑफ द डेक भी चैरियट दिखाई दे रहा है गाइस, तो बहुत ज़्यादा अप्रोचिंग कार्ड्स है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आई थॉट अ लॉट अबाउट यू लेटली, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा सोच रहे थे ये पर्सन आपके बारे में, ठीक है। इफ आई न्यू वॉट आई नो नाउ आई वुड मेक डिफरेंट चॉइसेस, तो कहीं ना कहीं वो कह रहते हुए दिखाई देंगे कि काश मुझे पहले पता होता, या काश मुझे पहले ये समझ में आता जो अब समझ में आ रहा है, तो मैं बहुत अलग चॉइसेस करता, वी आर टू डिफरेंट, तो वो कहेंगे आपसे कि भाई वो उनको ये डिफरेंस जो था आप दोनों के बीच में, आपकी थिंकिंग, आपके वैल्यूज, सब कुछ जो इतना ज़्यादा अपोजिट थे जिसके वजह से वो दूर रहना चाह रहे थे, तब भी आपसे वो बहुत ज़्यादा मतलब महसूस कर रहे थे कि कम कन्वीनियंट है, कम्फर्ट जोन में है वो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अलग पर्सन के साथ बात करना और ये सब उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग होता है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, और बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है, द फूल की एनर्जी लगती है जो यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। पास्ट में नहीं था ऐसा, पर अब हो सकता है कि वो आपको बोलेंगे कि सीइंग यू रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग डीप दैट इज़ नॉट ईजी टू डील विथ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी निकल कर आएगी कि आप उनको ट्रिगर्स होते थे, How could you still love me after all that I have done? तो after all this, वो आपको ये बोलेंगे कि क्यों मतलब ये सब जो है क्यों प्यार करते हो जब मैंने इतना सब गलत किया है आपके साथ, तो I am much in my headspace, तो यही उनके दिमाग में right now चल रहा है, यही सब वो सोच रहे हैं, ये आपको clearly face पे बताया जाएगा, ठीक है। और आपको एक बार वो कहेंगे कि क्या अभी मैं अगर अप्रोच करूं तो आप मुझे रिजेक्ट कर दोगे, क्या कि इनडायरेक्ट हिंट देने की कोशिश करना या बहुत कुछ मतलब लीड करना उस कॉन्वर्सेशन को उस डायरेक्शन में, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।